कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव प्रचार प्रस्ताव को लेकर कहा कि इस बात पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रही है। हमारे पास गिनाने के लिए उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं जो हम गिनवा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास गिनवाने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है। कांग्रेस छोड़ने और डरा धमका कर पार्टी में शामिल करने पर कहा कि कोई डराने और धमकाने की बात ही नहीं है, इनको लग रहा है कि अब यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डूबती नैया देख लोग कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए, सभी जगह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हमारे पास उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं बताने के लिए, और कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं क्योंकि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है कि पब्लिक के बीच जाएं और पब्लिक को बताएं। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की अनेकों उपलब्धियां हैं जिनको लेकर के हम जा रहे हैं और सभी जगह पूरा समर्थन मिल रहा है। देखिए, इसमें डराने धमकाने वाली कोई बात ही नहीं है, कांग्रेस की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, उसमें आंतरिक कलह भी है और देख लिए कि कांग्रेस में रहने से भविष्य कुछ है ही नहीं है, तो लग रहा है कि अब डूबती नहीं है छोड़ के भागो, बस वही चल रहा है और शरण में सब आ रहे हैं। और भारतीय अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नीति है उनसे लोग प्रभावित हो रहे हैं, अब उनको छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि उसमें तो कला है, बैठने की जगह नहीं है।